गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जो हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर चल रहा है उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या है, फैक्टराइजेशन चल रहा था, फैक्टराइजेशन में देखो हम नेक्स्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए पॉलीनोमियल मैक्सिमम डिग्री इज 2, या कोई भी इक्वेशन हो जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मीन जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 2 हो, मैक्सिमम डिग्री इज 2, जिसका भी मैक्सिमम डिग्री 2 होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। देखो ये केस है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड यहां पे क्या है, ए बी एंड सी आर सम इंटीजर, ए बी एंड सी आर गए सब इंटीजर्स है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका मैक्सिमम डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एंड इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसका एक जनरल फॉर्म है। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पे a b एंड c आर गए सम इंटीजर्स है, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये इसका एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है। इस डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलीनोमियल में किसी भी टर्म्स का मैक्सिमम डिग्री होता है या मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वो ही उसका डिग्री होता है। इसमें यहाँ पे ये वेरिएबल दोनों, इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, इसका 1 है, तो मैक्सिमम कितना 2 है, तो इसका 2 डिग्री होगा, एंड इसका 2 डिग्री होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मतलब इसको इसके फैक्टराइज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं जनरली, देखो इसके मेथड तो एक तो आपका स्प्लिट द मिडिल टर्म होता है, एक आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, एक एडिशन सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, बट हम जो यूज करेंगे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मींस स्प्लिट द मिडिल टर्म देखो क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखो, स्प्लिट का मींस क्या होता है, स्प्लिट का मींस टुकड़े, टुकड़े का ना, मिडिल टर्म मींस बीच वाले पद के। आपको क्या करना है, स्प्लिट मिडिल टर्म बीच वाले टर्म्स के टुकड़े करने हैं, एंड वो लोग कैसे करेंगे जल्दी देखो मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट मिडिल टर्म से करेंगे हम क्या, जैसे आपको दे रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना आपका 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो जल्दी समझना, मिडिल टर्म क्या है, 4x है, इसको स्प्लिट करना है, इसके टुकड़े करना है, एंड यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट टर्म कितना है 4, तो मींस मल्टीप्ल इसके जो टुकड़े करेंगे ना उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, एंड ऐड एंड सबट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म कितना 4 आना चाहिए। तो आपको इस 4 के फैक्टर करने हैं, इस 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 2 × 2, तो देखो 2 × 2 × 4 आ रहा है, क्लियर, एंड ऐड करो तब 4 आएगा, फिर सबट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए, तो यहां पे मैं 2 × 2 दोनों को ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो इसके इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 × 2, तो इसकी जगह आप राइट कर दो x स्क्वायर प्लस 4x है, इसकी जगह 2x प्लस 2x कर दो, इसको आप वापस देखो ये स्प्लिट कर दिया, 4x को टुकड़े कर दिए, 2x एंड 2x 2 पार्ट कर दिए इसके, इनको वापस ऐड करूंगा तो 4x हो जाएगा, n प्लस 4 का 4। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एंड इन दोनों में कॉमन आपको बार करना है, तो यहाँ पे जो भी x स्क्वायर प्लस 2x है दोनों में कॉमन क्या है, x इसमें भी है, x इसमें भी है,
इसमें टू न्यूमेरल है बट इसमें न्यूमेरल नहीं है, तो आपको एक्स कॉमन होगा, एक्स कॉमन है यहाँ पे क्या मतलब आपका एक्स प्लस एक्स बाहर आ गया टू, नेक्स्ट यहाँ प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है टू एक्स प्लस फोर में, टू न्यूमेरल है फोर न्यूमेरल है, आपका टू कॉमन है इसमें एक्स है बट इसमें एक्स नहीं है तो ओनली आपका टू कॉमन है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे एक तो एक्स बच गया प्लस टू बच गया। अब जब कॉमन क्या आएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कॉमन आएगा आपका, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया एक्स प्लस टू बच गया, तो आपको चाहो तो क्या कर लोगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखो फिर एक प्रश्न मैंने आपको बताया था जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर ये दे रखा तो ये बना दो, ये दे रखा तो ये बना दो, इसी को एक प्रश्न बोलते हैं, यानी आपने इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सोल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्रश्न करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म से मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखो इस टाइप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको जैसे एग्जाम्पल दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन, सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स मींस बीच वाले टर्म्स के टुकड़े करने हैं, स्प्लिट द मींस मतलब टुकड़े करना, मिडिल टर्म्स का मतलब बीच वाले टर्म्स के टुकड़े करना, तो यहां पे देखो सबसे पहले बात करता हूं मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आपका 3 है, मल्टीप्लाई कौन से टर्म कितना 7 मींस मल्टीप्लाई करने पे आपका 21 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए आपका 21 आना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पे एरिया सबट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 10, कितना आना चाहिए 10, तो आपको फैक्टर करने 21 के, तो 21 के फैक्टर करते हो तो क्या आते हैं, देखो आप 21 के फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 2 का डिवाइड नहीं जा रहा 3 का जा रहा है, 7 का 7 का 1 का, तो 3 एंड 7 आएगा इसके फैक्टर क्या आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप उनको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीपल तो आपका 21 ही आएगा, बट हमें क्या करना है इसको सेट करना है, या तो मैं इनको ऐड करूं तो 10 आए या सबट्रैक्ट करूं तो 10 आए, तो देखो दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका 21 आना चाहिए, ऐड या सबट्रैक्ट करने पे आपका 10 आना चाहिए, तो मैं यहां पे 3 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 21 आ रहा है, 3 प्लस 7 का मतलब 10 आ रहा है, तो मींस आपके इसके स्प्लिट इसके टुकड़े का होएंगे 3 एंड 7 हो जाएंगे, तो देखो मैं यहां पे क्या राइट करूंगा 3 x स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या राइट करूंगा एक बार तो 7x और एक बार प्लस 3x, स्प्लिट मिल टर्म बीच वाले टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया टुकड़े कर दिए n प्लस का 7, अब आपको कॉमन लेना है इन दोनों टर्म से कॉमन ले लो एंड इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 7, न्यूमेरल में कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि 3 एंड 7 ऐसे नंबर जो किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, मीन दोनों प्राइम नंबर है, एंड यहां पे x स्क्वायर एंड x है तो आपका x कॉमन आ जाएगा, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहां पे कितना बचेगा आपका 3x प्लस का प्लस, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका 7, ये प्लस का साइन, एंड फिर आपके पास 3x और 7 है इनमें कॉमन क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको प्लस वन ले लो यहाँ पे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है कॉमन, एंड यहाँ पे कितना आएगा आपका ऐसे कैसे 3x प्लस 7। अब बात करता हूँ देखो 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 कॉमन है तो मैंने 3x प्लस 7 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका x प्लस 1, ये आपका इसका फैक्टराइजेशन हो गया, किसका देखो दोबारा रिपीट करता हूँ आपको देखा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है एंड इसके फैक्टराइजेशन क्या आएगा 3x प्लस 7 एंड x प्लस 1, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आपका मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका भी मैक्सिमम डिग्री 2 होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एंड यहां पे क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इसको हमने सॉल्व किया स्प्लिट द मिडिल टर्म से, स्प्लिट द मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करेंगे means x square को first वाला term and second last वाला term को multiply करने पे आ जाए कितना आ गया 21, आप चाहो तो इसको 23x square and 7 भी कर दो 21x square आएगा और वो भी आपके 3x और 7x आएगा दोनों को add करोगे तो क्या आ जाएगा 10x, या फिर मैंने आपके x को हटा दिया इसमें थोड़ा easy करने के लिए, बाकी आप साथ होंगे तो भी एक ही बात है, and add या subtract करने में कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 10, add या subtract करने में कितना आना चाहिए 10, तो इस 21 के मैंने फैक्टर किए 21 के फैक्टर क्या हो गए आपके 3 एंड 7 दोनों को मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है 21, एंड तो या तो ऐड करने पे आए 10 या फिर सबट्रैक्ट करने पे आए 10, आपको सेट करना है इसको ओनली,
तो मैंने इनको ऐड करने पे 10 आ रहा है, तो इसके इसके यहाँ पे इसके टुकड़े क्या होंगे, स्प्लिट क्या होगी, इसके 7x एंड 3x वापस देखो ऐड करोगे आपको 10x आ जाएगा। बाकी ऐसे कैसे रखना, 3x² + 7x + 3x + 7 इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपके पास, x कॉमन है, x कॉमन तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे x बाहर आ गया 7, इन दोनों को जो कॉमन है प्लस में ले लिया मैंने, तो ऐसे कैसे आएगा 3x + 7। अब 3x + 7 यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, तो मैंने इसको बाहर ले लिया, तो आपका क्या बच गया x + 1 x + 1, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 3x + 7 x + 1 इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट देखा जैसे आपको x² + 14x + 48। देखो बेटे समझना, सबसे पहले देखते क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y मैक्सिमम पावर इज 2, hence it is quadratic equation, example quadratic equation, and quadratic equation का हम factorization करेंगे, तो हम इसमें कौन सा method use करेंगे, split the middle terms, split the middle terms का means, split का means टुकड़े करने हैं, middle terms का means बीच वाले terms के आपको टुकड़े करने हैं। First मैं बात करता हूँ multiply में भी कितना होता है, इधर कितना है x² coefficient, इधर तो 1 है numerator, and इधर ये कौन से term कितना 40 है, तो आपका मल्टीप्लाई करने कितना आते 40 है। बात करता हूं मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए आपका 14, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, तो मैं देखो सबसे पहले क्या करूंगा 48 के आप फैक्टराइजेशन कर लो, 48 का फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा देखो 2 से 24, 2 से आपका 12, 2 से आपका 6, 2 से आपका 3, 3 से आपका 1, कितना आ गया 3 + 6 = 12 + 24 = 48, क्या आ गया आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये इसका फैक्टराइजेशन आ गया। अब देखो इसको आप चाहे कैसे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इन दोनों को साथ ले लो बाकी को एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर दो, वो तो आपको 48 ही आएगा, आपको सेल इस टाइप से करना है कि इस टाइप ऐड या कुछ सेपरेट करे तो भी 14 आना चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा यहां पे, जैसे 2 × 4 4 × 8 एंड 3 × 6, मैं एक साथ ऐसे ले लेता हूँ 8 × 6 ले लेता हूँ, तो 8 × 6 तो आपको 48 आएगा, क्योंकि कैसे मल्टीप्लाई करते हो आपको वही आएगा सेम, बट आपको सेट ये करना है कि मैं तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आंसर 14, तो मैंने इसको 8 ले लिया इसको 6, 8 इनको एक साथ ले लिया इनको एक साथ ले लिया, तो 8 × 6 तो आपको 48 आ रहा है एंड 8 + 6 कितना आएगा 14 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे आपके 8 और 6 कितने आएंगे 8 और 6। अब देखो नेक्स्ट ओनली यही इंपॉर्टेंट है इसको सेट करना, जिसको ये सेट करना आ गया वो इजीली कर लेगा बेटे। देखो नेक्स्ट अब मैं यहां पे क्या करूंगा, x² + 6x + 8x + 48, इसकी स्प्लिट 8 और 6 हो गई इसके स्प्लिट, तो एक तो आपका 6x हो गया एक 8x हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आपका, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है x, x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 6, क्लियर, प्लस का प्लस 8x + 48 में कॉमन क्या आपका 8 कॉमन है, क्योंकि 8 से 8 भी डिविजिबल है, 48 भी 8 के डिविजिबल आता है, तो मैंने 8 कॉमन ले लिया, इसमें x है बट इसमें x नहीं है तो x कॉमन ही होगा, तो कितना आ गया यहाँ पे x प्लस 48 में 8 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम x प्लस 6, तो कितना हो गया आपका देखो x प्लस 6 इसमें भी है x प्लस 6 इसमें भी, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 6 को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा आपका x प्लस 8, x प्लस 6 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 8 रिमेनिंग पार्ट आ गया, तो इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इसके फैक्टराइजेशन हो गया x की x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। नेक्स्ट देखो बेटे एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, x² + 5x - 36। देखो इसको कैसे करेंगे,
सबसे पहले यहाँ पे बात करते हो मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए आपका, इधर वन है इधर माइनस का 36 है, इधर तो क्या आपका वन है इधर क्या माइनस का 36, तो वन एंड टू माइनस 36 क्या आना चाहिए, माइनस का 36 आना चाहिए। नेक्स्ट में बात करता हूं एरिया सबट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए आपका प्लस 5, कितना आना चाहिए प्लस 5। तो मेरे को फैक्टर करना है, किसका करना है इसका, एक तो 5x का स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है माइनस 36, एरिया सबट्रैक्ट करने पे प्लस 5 आना चाहिए। देखो बेटे यहाँ पे मैं 36 के फैक्टर करता हूँ, देखो 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, क्लियर बेटे। तो कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको आपको सेव करना, आप मुझे कैसे मल्टीप्लाई करो 36 को आ जाएगा, लेकिन हमें एक तो माइनस का सिंबल देखना है और एक प्लस का 5 आना चाहिए इनको एरिया से सब्ट्रैक्ट करने में। तो देखो मैं कैसे करूंगा, इनको मैंने एक साथ ले लिया, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 9 ले लिया, और सॉरी 4, 2 × 2 = 4 × 3 = 9, मल्टीप्लाई करने में आपका 36 आ रहा है मैं, लेकिन इनको एरिया सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए प्लस का 5 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई में माइनस का 36, प्लस का 5 चाहिए तो छोटे वाले नंबर को है आप माइनस कर दो, बड़े वाले को प्लस करने का, क्योंकि माइनस तो कब आ जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने इसको माइनस कर दिया तो माइनस प्लस माइनस 4 − 9 = 36 एंड एरिया सब्ट्रैक्ट हो 9 − 4 कर दो, सब्ट्रैक्ट किया मैंने 9 − 4 तो कितना आ गया 5 आ गया, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, तो −4 = 9। तो क्या रहेगा आपको −4 = 9। देखो मैंने दोबारा समझाते हैं, ऊपर करना क्या था, 36 के फैक्टर किए मींस ए मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 36 आना चाहिए एंड ए में सब्ट्रैक्ट करें तो आपका प्लस का 5 आना चाहिए, तो मैंने 36 के फैक्टर किए के आगे −4 × 9 आ गए, जिससे −4 × 9 को मल्टीप्लाई करके माइनस का 36 आ रहा है एंड 9 में से −4 को सब्ट्रैक्ट करते तो आपका 5 आ रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो −4 × −9 × −36 अब इन दोनों में कॉमन क्या आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचे x माइनस, यहाँ पे क्या आ गया आपका 4, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का प्लस एंड 9 न्यूमेरल है यहाँ पे 36 है, तो 9 के टेबल में 36 आता है यस, तो यहाँ पे 9 आपका कॉमन है प्लस 9, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x एंड −4, x माइनस 4 x माइनस 4 है तो आपका x माइनस 4 क्या आ गया कॉमन आ गया। अगर मैं x माइनस 4 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 9, x प्लस 9 ये आपका क्या आ जाएगा फैक्टर, सो देंगे किसके x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 9 ये आपका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा एक और एग्जांपल बता दूं मैं आपको, देखो इट्स रिलेटेड 9th क्लास यानी स्कूल मिलिट्री स्कूल एंड आर आई एम सी में 100% है, इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट जैसे एक और एग्जाम्पल बता दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इसका आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखो ये क्या है, x की पावर 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, मींस जो मिडिल का टर्म है इसको स्प्लिट मींस इसको टुकड़े करना है आपको। तो सबसे पहले बात करता हूं मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, इधर कितना है x स्क्वायर को कितना 1 मल्टीप्लाई, ये कितना दे रखा है कांस्टेंट टर्म −21, तो मींस मल्टीप्लाई करने में आपका −21 आना चाहिए। बात करूं मैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन की, एरिया सबट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए आपका −4, क्लियर है। अब आप उसके 21 के फैक्टर कर दो,
ये बस आपको ओनली ये है मतलब इसके स्प्लिट, इसको स्प्लिट करना आना चाहिए, इसको स्प्लिट करना आ गया तो आप इजीली कर लोगे, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 21 को फैक्टर करेंगे तो पहले 3 का जा रहा है 7 टाइम, फिर 7 का जा रहा है 1 टाइम, तो 3 × 7 आ गया। ये माइनस का 21 चाहिए तो आप किसी भी एक नंबर को नेगेटिव कर दो तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कब आएगा तो एक नंबर नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या जाएगा नेगेटिव। एंड यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए तो आप बड़े वाले नंबर को नेगेटिव कर दो, ये बड़ा वाला नंबर है, तो 3 × −7 कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21। एंड आप करोगे 3 − 7, 3 − 7 क्या आएगा −4, ये भी आ गया दोनों आ गए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 3 होगा एंड एक -7 होगा, 3 है -7 इसके फैक्टर्स होंगे, इसको स्प्लिट कर दिया आपने तो कितना आएगा 3x एंड -7x, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x -7x एंड -20। आप वापस चेक कर सकते हो इसके ये स्प्लिट होने पे आ गए, तो आप अगर 3x -7x को सोल्व करोगे तो वापस आपको -4x आ रहा है। यस 3x -7x बड़ा नंबर माइनस क्या माइनस, बड़े में छोटे में सबट्रैक्ट किया 7 × 3 को 4x, तो माइनस का 4x आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि कॉमन लेना, देखो आप यहां पे भी चेक कर सकते हो कि ये वापस आना चाहिए इन दोनों को सोल्व करने पे, यस आ रहा है, तो इसी को तो स्प्लिट किया, इसको तो टुकड़े किए हमने, तो कितना हो जाएगा देखो इन दोनों में कॉमन क्या आपका ओनली x कॉमन है, मैंने x को बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बच गया x + 3। इन दोनों में बात करता हूँ कॉमन की, ये आपका माइनस का साइन यस, न्यूमेरल 7 है यहाँ पे 21 है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे क्या 21 है, तो 7 के टेबल में 21 आता है यस, तो 7 आपका कॉमन है, एक्स है बट इसमें एक्स नहीं है तो एक्स आपका कॉमन नहीं होगा। एंड देखो अगर ब्रेकरी के बाद नेगेटिव का सिंबल आता है तो जो इनसाइड जो भी सिंबल होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये अगर ये माइनस का था तो जो प्लस का रहेगा 7 बाहर आएगा तो एक्स बच गया, ये माइनस का है बाहर माइनस है तो इसका सिंबल चेंज होगा प्लस, 7 का डिवाइड 21 में 3 करेगा, ये दोनों सेम आ गए एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, तो मैंने एक्स प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका एक्स माइनस 7, ये इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 7। दोबारा देखो आपको क्या करना, हम करें स्प्लिट मिडिल टर्म से, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट का मीन टुकड़े करना, द मिडिल टर्म बीच वाले टर्म्स को हमने टुकड़े करने हैं। एंड ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज कर रहे हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से, तो यहां पे क्या किया हमने मल्टीप्लाई करने, यहां पे 1 है एंड यहां पे -21 है तो दोनों मल्टीप्लाई करने तो -21 आना चाहिए। बात करता हूं एरिया सबट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए -4, -4 इसके फैक्टर किए तो क्या आ गया 3 × 7। अभी माइनस का 21 चाहिए तो बड़े नंबर एक नंबर को माइनस कर दो, माइनस किसको करना वो आपको चेक करना है, माइनस का 4 लाना है तो बड़े नंबर को माइनस कर दो छोटे वाले को प्लस कर दिया, तो 3 × 7 21 प्लस माइनस माइनस का 21 एंड 3 − 7 कितना हो गया -4, तो आपके फैक्टर क्या हो गए 3 एंड -7, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4x − 4 से 3x − 7 अप्लाई कर दिया, इसको सोल्व करके वापस 4x आ जाएगा। फिर मैंने दोनों में कॉमन लिया तो एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस 3 यहाँ पे बच गया एंड यहाँ पे माइनस का माइनस। अब देखो ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस का आप कॉमन लोगे तो इंटीरियर जो इनसाइड के सिंबल हो चेंज हो जाते हैं, इनसाइड के जो भी साइन हो चेंज हो, तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, इसमें 7x इसमें 21 है तो आपका 7 भी कॉमन है, 7 − 7x कॉमन है, 7x में 7 का डिवाइड किया तो 7 तो बाहर आ गया आपका एक्स बच गया, ये माइनस था तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस का हो गया एंड 7 में 21 7 का डिवाइड किया तो आपका 3 आ गया, तो x प्लस 3 मैंने बाहर ले लिया क्या बचा x माइनस 7। नेक्स्ट देखो बेटे एक और एग्जांपल ले लो इससे रिलेटेड, एक्स स्क्वायर माइनस 11x -42, एक्स स्क्वायर माइनस 11x
एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, तो मींस ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं बात करता हूं इसमें मल्टी, इसको स्प्लिट इन मल्टी टर्म से करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इधर कितना आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई, इधर कितना माइनस 42, तो 1 माइनस 42 तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 42 आना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या क्या आना चाहिए आपका, माइनस 11 कितना आना चाहिए, माइनस 11। तो देखो आपको 42 के आपको फैक्टराइज करने हैं, मैं 42 के फैक्टराइज करता हूँ, तो 42 के फैक्टराइज क्या आ जाएंगे, पहले 2 से डिवाइड आ रहा है, यस 21 पे 3 से 7 क्या आ गया, 2 × 3 × 7 क्लियर। अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई से कैसे कर दो, 3 + 6 को 7 से करो तो 42 आएगा, 7 × 3 = 21 को 2 से करो तो भी आपका 42 आएगा, 7 × 2 = 14 × 3 करो तो भी आपका 42 आएगा। बट आपको सेम ये करना है कि माइनस 11 भी आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड माइनस का 11 आना चाहिए। तो देखो आप इसको इस टाइप से कर दो, 7 × 14 को एक साथ लो, 3 को एक साथ लगा, क्योंकि 14 में 3 को 8 हो या सब्ट्रैक्ट हो तो आपको माइनस भी होना जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा माइनस का 11 आना है, माइनस का 42, माइनस का 11 आना है, तो बड़े नंबर को नेगेटिव कर दो, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ये आपका पॉजिटिव, तो माइनस प्लस देखो आप करोगे माइनस 14 × 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42, माइनस का 14 एंड प्लस का 3 तो माइनस का 11, तो आप माइनस का 42 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका माइनस 11 भी आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस का 14 एंड 3, तो इसका स्प्लिट का मीन इसका टुकड़ी क्या हो जाएंगे आपके, माइनस का 14 एंड 3, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 14 एंड 3। अब देखो यहां पे बात करता हूं, सबसे पहले इसको स्प्लिट करना है, क्या माइनस का 14 एंड 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, ये इसको स्प्लिट कर दिया, तो क्या आ गया, तो 14x हो गया प्लस 3x, ये माइनस का सॉरी देखो यहां पे माइनस का 14 माइनस का 11x था, इसको स्प्लिट किया है तो आपसे माइनस का 14x प्लस 3x इसको वापस आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 11x। स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म्स के टुकड़े किए होंगे, बाकी देखो इन दोनों में कॉमन देख लो, इधर इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या आपका एक्स कॉमन है, यहां पे x स्क्वायर है माइनस का 14x है, न्यूमेरल कुछ भी कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x, तो मैंने x को कॉमन ले लिया, यहां पे x स्क्वायर था यहां पे x बचेगा, माइनस 14x था x को कॉमन ले लेगा आपका 14 बचेगा, एंड नेक्स्ट में बात करता हूं प्लस का, प्लस ये 3x है माइनस का 42 है, न्यूमेरल का 3 है इधर 42 है, 3 से डिविजिबल है 42, 4 + 2 6 तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो आपका 3 कॉमन होगा, इसमें x है पर इसमें x नहीं है तो x आपका कॉमन नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका x n माइनस 42 में 3 का डिवाइड 14 टाइम, तो ये आपका x माइनस 14 x माइनस 14 आपका x से माइनस 14 कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 3 ये इसके फैक्टराइज हो गया। दोबारा देखो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 दे रखा है, इसका फैक्टराइज करना है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, किसी भी वेरिएबल टर्म्स का मैक्सिमम एक्स में कितना है 2 है, तो ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने इसके फैक्टराइज किया स्प्लिट द मिडिल टर्म्स है, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स का मींस क्या होता है, बीच वाले टर्म्स के टुकड़े करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 1 है इधर माइनस का 42 तो 1 × −42 मल्टीप्लाई करने में माइनस का 42 आना चाहिए। मैं बात करता हूँ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए आपका माइनस 11 आना चाहिए, मैंने 42 का फैक्टराइज किए तो क्या आएगा हमारे पास 2 × 3 × 7, इसको आपको सेट करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे करो आपका 42 आ जाएगा बट माइनस का 42 लाना, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका माइनस 11 भी आना चाहिए, तो मैंने इसको सेट कर लिया 7 × 14 को एंड इंटू 3 कर दिया तो 14 × 3 42 हो रहा है, एंड माइनस का 11 चाहिए या सब्ट्रैक्ट करने पे वो भी माइनस का चाहिए, तो माइनस का 11 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को मैंने माइनस कर दिया तो माइनस प्लस माइनस 14 × 3 − 42
तो कितना आएंगे, इन दोनों में x कॉमन था, x कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 14, इन दोनों में क्या कॉमन आता न्यूमेरल, यहाँ प्लस का प्लस, 3 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 42 में 3 का डिवाइड 14 है, तो x माइनस 14, x माइनस 14 कॉमन दोनों में, ये बाहर ले लिया तो क्या बच गया x प्लस 3, x प्लस 3, तो ये आपकी इसके फेक प्राइस आ गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखो बेटे क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132। देखो बेटे लास्ट है कैसे करना है, वही इसमें मैक्सिमम पावर कितना आपका, मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो मीन देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, अच्छे से कुछ भी कितना 1, कौन सी टर्म कितना 132, तो मींस मल्टीप्लाई करने पर आपको 132 आना चाहिए। बात करता हूं मैं एरिया सबट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, एरिया सबट्रैक्ट करने पे आना चाहिए इसमें कितना आपका कितना है माइनस का 23 है, कितना आना चाहिए माइनस 23, एरिया सबट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए माइनस 23, तो आप इसके फैक्टराइज कर लो 132, 2 से डिविजिबल है, यस 2 से कितना है 6, 6, 66 है, 2 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1 प्राइम, क्योंकि 11 प्राइम हो रहा है तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 11, आप देखो मुझे कैसे भी मल्टीप्लाई करो आपका मल्टीप्लाई होगा 132 ही आएगा। नेक्स्ट अब जैसे मैं यहां बात करता हूं, हम सेट करना है माइनस का 23 आना चाहिए एरिया सबट्रैक्ट करने में, तो यहां पे मैं देखो क्या करूंगा 2 × 4 = 4 × 3 = 12 × 11 = 11 = 23 तो इसके देखो इसके इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे माइनस का 12 एंड माइनस का 11, माइनस का 12 एंड माइनस का 11, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो 132, माइनस का 12 एंड माइनस का 11 दोनों को ऐड करो आपका कितना हो जाएगा माइनस का 23, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11x प्लस 132, क्लियर। देखो इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का 11x आपका माइनस का 23x आ जाएगा वापस। इन दोनों में कॉमन क्या आपका x कॉमन है, मैंने x को बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 12, क्लियर x माइनस 12। अब देखो ये आपका इन दोनों में कॉमन देखूंगा मैं तो एक तो माइनस आ गया, अब देखो 11 का डिवाइड इसमें जाता है क्या, डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, तो ऑड प्लेस डिजिट 2 एंड 1 3 है, इवन प्लेस पर डिजिट 3 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा 0 आ रहा, तो 11 से डिविजिबल है तो 11 कॉमन होगा यहां पे, x पर इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो यहां पे देखो बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का तो प्लस का जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का जाएगा, 11 का डिवाइड तो x बच गया, ये बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का मतलब माइनस, एंड 132 में आप 11 का डिवाइड है कितने का है 12 का है, तो x माइनस 12, x माइनस 12 आपका कॉमन आ गया तो x माइनस 12, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपका x माइनस 11, ये आपका क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाएगा किसका x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 का, तो ये आपका स्पीड लिमिट कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर रहे थे, ये आपका सैनिक स्कूल क्लास 9, मिलिट्री स्कूल क्लास 9 एंड आरआईएमसी तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे।